पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उधर अनुराग ठाकुर के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने आपत्ति जताई है और इस मामले को लेकर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा से बात की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता कमलेश सिंह ने। मेरे साथ जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बाबू जी, कल जिस तरह से अनुराग ठाकुर और आपके नेता अखिलेश यादव में नोकझोंक हुई, उसको लेकर के काफ़ी नुक्कड़चीनी हो रही है। कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के खिलाफ भी और खासकर अखिलेश यादव के खिलाफ भी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी बजट पर अपनी बातें रख रहे थे, बाद में और भी बातें हुई तो उस पर श्री अनुराग ठाकुर जी बोले जो उनको नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने गलत बोला। आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही बात कर रहे थे, इस देश के गरीब और कमज़ोर की बात रख रहे थे, पीडीए की बात रख रहे थे, हिस्सेदारी की बात रख रहे थे। ये बात जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही और जो इंडिया गठबंधन के और जो सम्मानित नेता हैं राहुल जी हैं और सब ने जब पीडीए की बात करी, देश के पिछड़े और गरीब दलित और आदिवासी की बात की, ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगती तो उनका कोई ना कोई माननीय सदस्य बोलने लगता है, उसको माहौल को खराब करने लगता है। अनुराग ठाकुर ने जाति पूछा राहुल गांधी कि आप किस जाति से आते हैं, शायद ये जाति पूछक शब्द का इस्तेमाल। आप भी बताइए कि पार्लियामेंट में एक इतने वो मिनिस्टर रहे हैं, कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बहुत ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जिनका कहना था कि जिस शब्दों का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया उसका विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर करेगी। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।